अभी हो रहे हैं 2:30 और सारे ऊपर बैठे हैं। कितने हो रहे हैं? 2:30 हो रहे हैं। 2:30, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मम्मी अपन थोड़ा साफ कर रही है, पापा खा रहे मूंगफली और लीशु आप फोन देख रही है। अभी आज हरे साग की तैयारी हो रही है, तो आज घर में बनेगा हरा साग। थोड़ी सी भी धूप नहीं निकल रही, इतनी हल्की सी धूप है। 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, बच्चों को स्कूल की अब फाइनली छुट्टी पड़ चुकी है, 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी है, और आज भी धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन हल्की फुल्की सी है। और आज हरा साग बनाएंगे, बस यही कह रही थी कि ना सरसों ले आना टाइम पे। वो भी छुट्टी है, बच्चों की पड़ चुकी है और हमारी खत्म हो चुकी है, आज इनकी लास्ट छुट्टी है। इसको आप अच्छे से एंजॉय कर लो, अच्छे से एंजॉय कर लो, सारी छुट्टियां अच्छे से एंजॉय करिए, इसे क्या कर लेंगे। आने जाना हुआ नहीं हमारी छुट्टियों में, खूब बूंद के लड्डू खाए, खूब गाजर का हलवा खाया, दिखता रहा है, छुट्टियों का पूरा आनंद लिया जा रहा है। वो से फोन देख रही है, ये रही लिशु, ये रही बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप? ऐसा बोलो, हेलो गाइस कैसे हो आप सब? हेलो गाइस आप सब कैसे? मैं अभी फोन देख रही हूँ। तो भाई मम्मी अपना निश्चय काम वाम कर रही है, प्यासी लगी हुई है साग को धोने में। ठंडा पानी है? कोई नहीं बेटा। तो भाई वे दूध डाल के उसके बाद करेंगे तैयारी, इसको बनाएंगे शाम को। बेटा फोन छोड़ दे, काफी देर हो गई फोन लेते लेते, छोड़ दे बेटा। तो भी शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो अभी हो गया चाय का टाइम, तो चाय मैंने बना लिया। और सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगती है, गूंद के लड्डू जो हमने बनाए थे अभी, तो वो हम गर्म करके ओवन में, और भैया तब खा रहे हैं, बड़ा बड़ा टेस्ट लग रहा है, कुरकुरा कुरकुरा गरम गरम सा। तो भाई ठंडे खाने का मजा नहीं है, ये देखो मैडम ने गरम गरम निकाल दिया ओवन में से, गरम हो रहा बिल्कुल, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी। ये नहीं, जो शादी के लड्डू होते हैं वो भी अपना गर्म करके ओवन में और तब खाओ, बड़े रसीले रसीले, स्वाद मतलब दुगना हो जाता है उससे ना। तो दोस्तों अभी दिक्कत यह आ रही है कि हमारे पास 2 ट्राईपॉड था रिंग लाइट वाला, तो ये भाई साहब हो चुका है फ्री, तो फ्री हो चुका है, तो इस पर कोई रिस्क अभी लेंगे नहीं, क्योंकि 1 लाख का फ़ोन है, इसमें पड़ गया तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा कम का। तो अभी ये ट्राईपॉड है, इस पर लगाएंगे फ़ोन, और ये सिर्फ लाइट के लिए, तो अभी ऐसा काम चल रहा है। ये दोनों जो है ना ट्राईपॉड साथ साथ में लेकर चलना पड़ रहा है हमें, ऐसे ही शूटिंग हो रही है घर में, क्या करें, करना पड़ता है भाई। कभी इसको दाएं ले जाओ, कभी दाएं बाएं ले जाओ, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चल रहा है काम, देख लो। तो करेंगे थोड़ा बहुत मेहनत, तो ये चलती रहती है घर में, इतना तो करना पड़ता है वीडियोज़ के लिए। तो अभी एक शॉट लेना है मैडम का, तो अभी उसके लिए तैयारी चल रही है। तो लाइट ऑन हो चुकी है और ये ट्राईपॉड हो चुका है तैयार, तो लाइट्स कैमरा एक्शन। क्या कर रही है? कॉटन क्या लगा रही है? मैंने लगाया थोड़ा सा तेल। अच्छा, ओके ओके। तो अभी इसको ये क्या कर रही थी, ये जो है मैडम यहाँ पे उंगली रख के और इसको घुमा रही थी, तो इसने जैसे घुमाया तो इसने जो है स्किन इसके अंदर खींच ली, तो खींचते के साथ वो जो है हो गया, दर्द हो गया, तो ऐसे ऐसे काम करती है, देख लो। अब दोबारा करेगी ऐसा? दोबारा करेगी ऐसा? उंगली लगाएगी इसमें? नहीं। ओके, समझ गई? हाँ। हाँ। अच्छा आ जा फिर। तो भाई इसने बहुत ही शोर मचाया एकदम, मैं सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, तो देखा तो मैडम खड़ी यहाँ पर शोर मचा रही और उंगली फंस गई इसमें, और फिर मैंने इसको उल्टा घुमाया, फिर उसकी उंगली निकाली इसके अंदर से, जब थोड़ा बहुत चुप हुई सारा घर अदर ढा दिया इसने रो के, तो ये चलता रहता है। चालू है।
दोबारा देखते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 6:30। तो बच्चों ने अपना दूध बहुत फिनिश कर लिया है। अभी ये बिस्कुट पाटने पे लग रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बिस्कुट खाए जा रहे हैं। दूध पिया जा रहा है। फटाफट जल्दी फिनिश कर लेते, मम्मी बहुत मारेगी। ठीक है, और किचन में हो रहा है यहाँ पर जोरों शोरों से काम। तो किचन में अभी चल रही है तैयारी साग की। तो साग बन रहा है, फटाफट देखो कितने देर में तैयार हो जाएगा। तो मामला काफ़ी सीरियस चल रहा है अभी। कुछ हेल्प वेल्प करवानी है? नहीं आज जला लो। हैं आज क्या किचन में जला दूँ? तो अभी थोड़ी देर ऊपर बैठ के थोड़ा हाथ वाथ सीखेंगे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है। हवा चल रही है बढ़िया। अभी पालक हमारा जो बढ़ चुका है यहाँ पर, थोड़ा का लगाऊंगा मैं। टाइम पे आ जाओगे तो ठीक है, तो मैं वेट नहीं करूंगी। मैं खान बाकी इन्होंने बेसन सब घोल लिया है बढ़िया तरीके से। और सरसों वगैरह तो मैं लेके आ गया था खेत से अभी, और बच्चों के साथ गया था अभी डोगी वगैरह को खाना वाना खिलाने। तो वहीं से मैं सरसों लेके आ गया। तो मेन काम जो था मैंने कर दिया अपना, और बाकी अपना मैडम करेगी, अपना तो करती रहेगी। इनके पास बहुत टाइम है। अभी 8 बजे खाना खाएंगे। तो रोटी की डिमांड हुई है आज, ये कह रही है कि बाजरे की रोटी बनाएगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे आटा की खानी है, क्योंकि बाजरे की काफ़ी काफ़ी हैवी हो जा है। तो ठीक है बना ले। तो भैया दो शॉट्स अभी जो है उसकी शूट कर चुके हैं, तो उसके मैं अभी करूँगा एडिटिंग। तो उसमें लगेगा मेरे को कम से कम मैक्सिमम आधा घंटा तो लगेगा दो शॉट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है। कैमरा वैमरा कभी ऑन करो कभी बंद करो, कभी टेक वेक गलत हो जाता है, सीन गलत शूट हो जाता है, फिर दोबारा टेक लो। तो भैया अभी करेंगे इसकी एडिटिंग करेंगे, तड़का हम लगाएंगे। क्या नाम है? सरसों का तेल में लगाना है ना मैडम? सरसों के तेल में लगाना है। अब देख बेटा, अब तू देख अब सब्जी कैसे बने। देख ये खा ले, इसमें फूई लग रही थी, खा ले। अब मत खाओ। तो वे भयंकर तरीके से साग को उबाला जा रहा है। तब से आधा घंटा हो गया इसकी, बिल्कुल जो है ना कांच काट रखी है साग की। तो भाई अभी जो है तड़के के लिए तेल डाल दिया। लाओ भाई मेरा माल इधर लाओ भाई। ये डाल दिया है तड़का, जीरा डाल दिया है। अब इसमें डलेगी ये लाल मिर्च और ये लहसुन, थोड़ा हल्का सा इसको करेंगे ब्राउन। सारे काम यही कर रही है, मैं सब देख रहा हूँ। तो भाई गुड जॉब। हाँ बेटा अपनी मम्मी को बोल बेटा। क्या दिला लो? सीट उछल क्यों रही है बेटा? मेरा सारा कंसंट्रेशन तड़के पे। तो भी अब इसमें डालेंगे प्याज, हमारा लहसुन जो है भुन चुका है बढ़िया तरीके से। थोड़ा दे देना, कुकर मत गिरा देना आप। वाह 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 वाह, ये तो आवाज़ है ना प्याज की भुनने के लिए। चढ़ आन दे। तो साग मैंने तैयार कर दिया है, तो एडिटिंग थोड़ी सी रह गई थी। तो ये महाराज अभी बैठ गए यहाँ पर, विराजमान हो चुके हैं। क्या कुछ बना रहे हो बेटा? भाई ये मेरा नाम रोशन जरूर करेंगे एक दिन, मुझे पक्का यकीन है। तो चलिए अब खाना खाते समय मिलेंगे आपसे।
तो लो अभी खाना तैयार हो चुका है हमारा, खट्टे का साग हो गया, हरा साग सॉरी। तो ये साग तैयार हो चुका है और ये बाजरे की रोटी और मैडम ने अभी तैयार कर दी है फर्स्ट क्लास, और मैडम थक चुकी है आज पर खाना बढ़िया बनाया है। चलो मैं लाल तो कितना बढ़िया जो है काम हो चुका है यहाँ पर मैडम बना के ला दिए प्यार से, तो चलो खाते हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ विंटर स्पेशल रेसिपीज में। वे अभी खाना खाया जा रहा है और मैडम अपना खाना एंजॉय कर रही है, साथ में मैं बैठा हूँ। तो खाना बना एक नंबर का बढ़िया। ये रोटी है मक्के की, बाजरे की रोटी है ये। अच्छा सॉरी, तो भैया रोटी है बाजरे की और ये साग सरसों का, ये गया और ये गया। तो भी इस प्यारी सी बैठ के साथ जो है हम अपना वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। नहीं तो थोड़ा सा अगर आप अफोर्ड कर